सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों वेरिफिकेशन के रिजल्ट यानी कि री इवेल्युएशन का रिजल्ट बहुत बच्चे ढूंढ नहीं पा रहे। तो आज आपको बता दूं गूगल पे सिर्फ आप सीबीएसई वेरिफिकेशन 2024 डाल के सर्च करोगे तो ये वाला लिंक खुलेगा, इसको क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो यहाँ पे फी पेमेंट का डिटेल है, चेक फी स्टेटस, आप अगर देखना चाहते हैं कि फी पे हुआ नहीं हुआ, एप्लीकेशन की पूरी स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस और फिर आंसर बुक और एप्लीकेशन स्टेटस का वेरिफिकेशन वाला सारे टैब्स यहाँ पर गिवन है। आपको अगर मान लो री इवैल्यूएशन स्टेटस चेक करना है तो आप री इवैल्यूएशन स्टेटस चेक क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आपको और रोल नंबर आपको देना पड़ेगा, फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। देखो कुछ बच्चों के अंडर प्रोसेस हैं तो अंडर प्रोसेस रहेगा, ये नेम्स कवर किए हुए हैं, या तो कुछ बच्चों में आया है मिस्टेक्स नहीं मिला, नो मिस्टेक फाउंड, तो जिनके नहीं मिस्टेक फाउंड हुए तो इसका मतलब सीबीएसई ने आपके कॉपी के मार्क्स बढ़ाने से इनकार कर दिया है, मे बी वहाँ कोई स्कोप ना हो, स्कोप होता तो शायद बना देते, बट हाँ जिनका अंडर प्रोसेस है तो प्रोसेस का वेट कीजिए, कीप चेकिंग इट। कन्फर्मेशन पेज ज़रूर देख लें अपना, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आना है तो कन्फर्मेशन पेज देख लोगे तो श्योर रहोगे कि फॉर्म फिलअप हुआ या नहीं हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप रीजनल ऑफिस में बता सकते हो। एग्ज़ाम तो देखो 12th वालों का एक ही दिन है 15 जुलाई, 10th वालों का आपको पता है 10th वालों का 3-4 दिन का स्लॉट रहता ही है क्योंकि 10th में 2 सब्जेक्ट्स हैं, 12th में 1 ही सब्जेक्ट है। तो कन्फर्मेशन पेज की एक फ़ोटो रख लो ताकि अगर दिक्कत हुई एडमिट कार्ड में तो आपको, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा, सीबीएसई आपको ऐसे नोटिफाई नहीं करती। एडमिट कार्ड आपको 1st week of July में मिलेगा, रेगुलर स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट दैट फ्रॉम योर स्कूल, लेकिन जिनकी थर्ड कंपार्टमेंट है यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट्स, उनके लिए है कि उनको सब कुछ खुद से करना है, दिस इज द लास्ट टाइम, डू और डाई सिचुएशन है। डू और डाई नहीं कहूँगी, कहूँगी कि देखो मौके तो फिर हैं, अगले साल भी मौका है, लेकिन हर बार हम अपने चांस को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, अभी कर लो तो जो साल है अगला साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा 12th को करने में, नहीं तो आपका खिंच जाएगा, या तो फिर आप NIOS के लिए ऑप्ट करोगे, बट बेटा पढ़ना तो कहीं भी पड़ेगा, अभी 1 सब्जेक्ट है 2 सब्जेक्ट है क्लियर कर सकते हो, अगले साल अभी क्लियर नहीं हुआ थर्ड कंपार्टमेंट तो अगले साल आपको पूरे कोर्स को पढ़ना पड़ेगा, दैट विल बी मोर पेनफुल। ठीक है, तो इस वजह से मेहनत करो, अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि अभी आपके पास 6 दिन 7 दिन और आपको घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है उसको साइड में रखो, ईजी चैप्टर्स कर जाओ, 50-60% चैप्टर जो ईजी है उसको याद कर जाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, इतने से आप पास हो जाओगे ना, उसके बाद टाइम बचता है तो अगले चैप्टर्स करेंगे, नहीं बचता है तो छोड़ देंगे, बट एटलीस्ट ईजी चैप्टर से स्टार्ट तो करोगे। तो इस तरीके से आप अपना री इवैल्यूएशन प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे अपडेट्स और हैविंग कंपार्टमेंट इन केमिस्ट्री और आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो बेटा स्पेशल बैचेस चल रही हैं जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे मेल या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लासेस 3 से बढ़ा के 5 कर दी गई हैं एंड द कोर्स फी हैज़ बीन रिड्यूस बाई 50%, इट इज़ ओनली ₹1000 फॉर द इंटायर बैच, जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको सबसे पहले तो बेटा स्टडी प्लान मिल जाएगा, देन इट्स अ जूम क्लास तो आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा जिससे आप जो भी डाउट लेना चाहो पूछ सकते हो, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे ताकि आप भूल गए कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई टेक्निकल ग्लिच था क्लास में सुनाई नहीं दिया तो आपको रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, डाउट सेशंस होंगे मोस्ट, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले तो माइंड मैप दे दूंगी कि एटलीस्ट लास्ट मोमेंट रिविजन हो जाएगा, देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDFs सारे बच्चों को दे दी जाएंगी, NCERT के Q&As आपको मिल जाएंगे, साथ में फॉर्मूला शीट दे दी जाएगी, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेम रिएक्शन है उसकी शीट मिल जाएगी, ग्राफ की शीट मिल जाएगी, न्यूमेरिकल्स की शीट मिल जाएगी, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, इट जस्ट दैट आपको भी थोड़ा सा हार्डवर्क पुट करना है। अगर आप चाहोगे सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करके आप पास हो जाओ तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, आपको भी याद करना होगा साथ के साथ। 30 दिन है ना, आप 20 दिन का टारगेट रख लो, 20 दिन में एक चैप्टर को 2-2 दिन में फिनिश करो, ठीक है, यू विल बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स। Students